मास्टर एहसास कश्मीर। कश्मीर की पुरानी नमदा दस्तकारी अपनी खोई हुई शान दोबारा हासिल कर रही। मजदूरों की फलाहो बेहबूदी के लिए जिला पुंछ में किया गया बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। और तालिबे इल्मों ने कम लागत वाला एप्पल ग्रेडिंग सिस्टम बनाया, काश्तकारों को होगा फायदा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी को फरोग देने की सम्त में किए जाने वाले इकदामात की, जिसमें से एक है नमदा क्राफ्ट। इस रिवायती क्राफ्ट को फरोग देने के लिए मुतालिक महकमा की जानिब से मुस्बत इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से भी नमदा क्राफ्ट से जुड़े आर्टिजन्स की तारीफ की गई है, जिसे लेकर आर्टिजन्स बेहद हौसलामंद नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर की दस्तकारी की मसनूआत वादी के तजुर्बेकार कारीगरों की पाकीजगी और मुनफरीद हाथ के काम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इन दस्तकारी में से एक है कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी नमदा। इस दस्तकारी को फरोग मिले ये जरूरी है। यही वजह है कि मुतालिक महकमे की जानिब से कुछ मुस्बत इकदामात उठाए गए, जिसका मकसद सदी की रिवायती आर्ट वर्क को जिंदा करना है। इसे लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से भी वादी के कारीगरों की तारीफ की गई, जिसे लेकर आर्टिजन्स बेहद खुश हैं। हमें पता है वहाँ उसने बोला था यहाँ पर नमदा की सब बात चल रही थी, हमें मगर खुद नहीं आता था नमदा बनाने, हमने सीखा था फिर यहाँ पर नमदा बनाना। हम बहुत खुश हैं, मोदी सरकार ने ये बोला था ये नमदा बनाना आता है आपको, हमने यहाँ पर नहीं सीखा था पहले, हमने सिखाया था पहले। जम्मू कश्मीर में बिलवास्ता या बिलावास्ता लाखों कारीगर दस्तकारी और हैंडलूम के शोबे से ताल्लुक रखते हैं और उसी वजह से दस्तकारी का महकमा इस रोजगार पैदा करने वाले शोबे को तरक्की देने के लिए आगे आता है, ताकि रिवायती और सदियों पुराने नमदा क्राफ्ट वर्क समेत कुछ मखसूस दस्तकारी को बहाल किया जा सके। कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी और आर्टिजन्स को फरोग मिले, इसके लिए महकमे की जानिब से ट्रेनिंग भी दी जाती है और उस दौरान उन्हें वजीफा भी दिया जाता है। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप बनकर नौजवान इस शोबे में आगे बढ़ सकें, इसके लिए उन्हें लोन भी मुहैया कराया जा रहा है। बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल काम है यहाँ कश्मीर में, पहले से किया जाता था और बिफोर 90s अगर हम देखेंगे काफ़ी मशहूर था और एक्सपोर्ट भी बहुत हद तक हो जाता, लेकिन ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टेंसेज इन 1990s क्या हो गया कि उसके बाद इसकी जो है प्रोडक्शन रेट एक्सपोर्ट वगैरह स्टॉप हो गया था ऑलमोस्ट, और ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो था वर्ष था एक्सटिंक्ट होने के। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, पर्टिकुलरली क्रेडिट में देना चाहूँगा हमारे डिपार्टमेंट के हेड डायरेक्टर सर को, जिन्होंने फिर से कोशिश की इस क्राफ्ट को वापस रिवाइव करने की एंड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। काबिले गौर है कि नमदा दस्तकारी में भेड़ के ऊन से कालीन बनाई जाती है। यहाँ आम बुनाई के बजाय फेल्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान फर्श पर बैठना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इस दस्तकारी को इस्तेमाल में लाकर बिस्तर और गद्दे के बाहरी कर बनाए जाते हैं। कश्मीरी सकाफत में फर्श पर बैठना अहम रिवायत है और इस तरह देखा जा सकता है कि नमदा दस्तकारी कश्मीरी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है।
हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने भी इसका जिक्र किया कि ये रिवाइव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है और वी आर फीलिंग प्राउड नाउ दैट कि हमारा जो ये ट्रेडिशनल ओल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट है कि नमदा, इसका भी जिक्र हो रहा है और ये रिवाइव हो रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, तो एक स्कीम इसमें यह है कि आर्टिजन्स को क्रेडिट कार्ड लोन मिल रहा है जिसकी वजह से वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है डिपार्टमेंट की तरफ से चलता है, जो एलिमेंट्री कोर्स होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसमें हम अकोमोडेट करते हैं अराउंड अबाउट 20 यंग अनएम्प्लॉयड ट्रेनीज को, जिनको हम ट्रेनी देते हैं। कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के शोबे में मालामाल है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सामानों को तैयार करने का हुनर दस्तकारों में है। इसमें वुड कार्विंग, क्रिवेल वर्क्स, चेन स्टेजेस, सोजनी कैप जैसे मकबूल तरीन सामान शामिल है। यहाँ पश्मीना शॉल भी तैयार की जाती है, जिसकी अपनी एक अलग शिनाख्त है। क्राफ्ट सफारी टूर प्रोग्राम इसके बारीक कामों से रूबरू कराने में तो मददगार है ही, साथ ही ये कस्टमर और आर्टिजन्स के बीच बराहे रास्त राबिता कायम करने का भी जरिया है। इस नए तजुर्बे पर हो रहे अमल से इस शोबे को तो फायदा होगा ही, साथ ही महकमे के ताउन से इस्तेफादा होकर इस शोबे में रोजगार के इम्कानात भी लोगों को मुहैया हो रहा है। अब बात करते हैं मजदूरों की फलाह बहबूदी के लिए इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदामात की। मजदूरों के लिए चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी उन तक पहुंच सके, इसके लिए जिला पुंछ में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की सदारत में एक बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जहां न सिर्फ मजदूरों को उनके लिए चलाए जा रहे नए नए स्कीमों के तई बेदार किया गया, बल्कि उनसे जुड़े मसलों को भी सुना गया। मजदूर तबका मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से चलाए जा रहे स्कीमों का फायदा उठा सकें, इसके लिए उन्हें महज रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, जो इस बेदारी प्रोग्राम के जरिए उन्हें बताया गया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मजदूरों के क्या हैं मसले और किस तरह से उसका हो सकता है इजाला, इस बात पर गौर करना जरूरी है। मजदूरी करके अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाले मजदूर तबके को वैसे तो कई हुकूक हासिल हैं, ताहम उसके लिए लेबर महकमे में मजदूरों का इंदराज जरूरी है। मजदूरों के हुकूक का तहफुज हो और हुकूमत की जानिब से मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमों का फायदा उन तक पहुँचे, इसके लिए जरूरी है कि वो इन सभी बातों के तई बेदार हो। इसी मकसद के तहत जिला पुंछ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे मजदूर तबका के लिए किया गया, जिसमें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बोर्ड यहाँ पर आई थी और उन्होंने लेबर के बहुत सारे मसाइल सुने और बहुत सारी दिक्कतें भी हैं हमारे लेबर लोगों को जो हमारे काम वगैरह करते हैं। तो अक्सर हमारे लेबर लोगों को काम जो दिक्कत आ रही है, वो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पर ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं है, जिसके कारण लेबर बड़ी परेशान है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की सदारत में इस बैठक का एहतमाम किया गया। यहाँ पर कामगारों से जुड़े कई मसलों को उन्होंने सुना, जिससे यहाँ के लेबर ऑफिस में काम करने वाले अहलकार की कमी से भी इन्हें अवगत कराया गया। साथ ही हुकूमत की जानिब से क्या क्या स्कीमें हैं जिससे मजदूरों को हो सकता है फायदा, इस बात की भी जानकारी यहाँ पर दी गई। अक्सर ये देखा जाता है कि मजदूर स्कीम के तई कम बेदारी की वजह से हुकूमती स्कीम से इस्तेफादा नहीं हो पाते हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म इनके लिए काफी मुफीद साबित हुआ, जिससे लोग भी इत्तेफाक रखते हैं। आज यहाँ पे लेबर जो है ना ऑफिस, उनकी तरफ से यहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाया गया था, जिसमें आज ये जो लेबर तबका है उनको अवेयरनेस, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती हैं उसके लिए लोगों को अवेयर किया। इसमें काफ़ी ऐसी स्कीम्स थी जो यहाँ पे दो ही स्कीम्स थी जो लेबर के नॉलेज में थी या वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे इनके ऑफिस में होती थी, या जो बच्चों की स्कॉलरशिप का होता है या इनका जो एक लेबर कार्ड बनता है। इसके अलावा मजीद जो मैम आई हुई है कश्मीर से, उन्होंने काफ़ी अवेयर किया है और हमारे भी काफ़ी जो डिमांड्स थी वो हमने इनके सामने रखी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की मदद पहुंचाई जाती है। इसमें उनके बच्चों के लिए एजुकेशन और मोहलिक बीमारियों के इलाज से लेकर बेटी की शादी के खर्चे भी शामिल हैं।
प्राइमरी हायर सेकेंडरी समेत प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा रही है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सके इसके लिए मुख्तलिफ जिलों में लेबर कमिश्नर दफ्तर मौजूद है। मजदूर वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर हुकूमत की स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसका बेसिकली पर्पज ये था कि हम लोगों से मिले, उनसे बात करें, उन्हें अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, उन स्कीम्स के बारे में बताएं जो खसूसी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है, यानी जो तामीराती मजदूरों के लिए स्कीम्स है, उनके बच्चों के लिए है, उन स्कीम्स का वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे है, प्रोसेस कैसे है और किस स्कीम में कितना पैसा इन्वॉल्व होता है उनको बताया गया। सबका साथ सबका विकास वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहम फलसफा है। हर तबके के लोगों को तरक्की का फायदा मिले इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। मजदूरी करने वाले लोग भी उसमें शामिल हैं और उनके लिए जो मंसूबे बनाए गए हैं उससे मुस्तफीद कराने के लिए जरूरी इंतजाम किया गया है। उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ताकीद की जा रही है। इसके तई उनमें बेदारी भी पैदा की जाती है और इसके तई उनमें पैदा हो रही बेदारी का उन्हें फायदा भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। पुलिस पनाहगाह में कारकुनान अपने कुत्तों और बिल्लियों को तेज दर्जे हरारत से निपटने में मदद करने के लिए एयर कंडीशनिंग से लेकर पानी के सुराख तक खुसूसी इकदाम कर रहे हैं, जबकि पोलैंड ने अभी तक यूनाइटेड अमेरिका से चीन तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी नहीं देखी है। मौसम अभी भी पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में नापुलुचू पनाहगाह में कुत्तों को परेशान कर रहा है। पनाहगाह की एक रजाकार अन्ना स्कीबिंस्का के मुताबिक कुछ कुत्ते चहलकदमी के लिए बिल्कुल जाना नहीं चाहते या सिर्फ वहीं जाते हैं जहाँ छाया हो। कुत्ता सूंघते वक्त बहुत ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करता है और गर्मी में उसे परेशानी हो जाती है। पनाहगाह जिसमें 650 कुत्ते और 180 बिल्लियां हैं, बच्चों के लिए रेत के गड्ढे खरीदे हैं और कुत्तों को ठंडक देने के लिए उसमें पानी भर दिया है। इसमें छाया फराहम करने के लिए जाल भी लगाए गए हैं और एयर कंडीशनिंग भी नर्स करती है। बैंक में एक फिलिस्तीनी शहर नबलस जो कुनाफे जैसी रिवायती मिठाइयों के लिए मशहूर है, एक शादीशुदा जोड़े ने कारोबारी सफर का आगाज किया इस उम्मीद में कि उन व्यंजनों का ऐसा वर्जन बनाए जो सेहतमंद और ज्यादा काबिल रसाई हो। एक जर्नलिस्ट और एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपनी नौकरी खोने के बाद हया और अहमद अल शेख ने शुगर फ्री सेहत बख्श मिठाइयाँ बनाने का फैसला किया। जिसके बारे में उनका कहना है कि गजाई पाबंदी वाले लोग भी इसे खा सकते हैं। स्टीविया को कुदरती मिठास और ग्लूटेन फ्री के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हया और अहमद ने एक वर्कशॉप कायम की जहां इन्होंने मिडिल ईस्टर्न के दो मशहूर डेजर्ट्स सिमसमी और हलकॉम तैयार करने शुरू कर दिए। अलशेख ने सेहत और पायदारी को फरोग देने के लिए इजाफी इकदाम किए हैं जो अपनी मिठाई के लिए प्लांट पर मबनी प्लास्टिक रैपिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे न सिर्फ खाने को महफूज किया जाता है बल्कि माहौलियाती असरात को भी कम करने में मदद मिलती है। मुताहिदा अरब अमीरात की खुश्क रेगिस्तानी आबोहवा के दरमियान मुकम्मल तौर पर पत्थर के नमक से बनी एक गुफा विजिटर्स को कुदरती सेहत के इलाज के साथ ताजा सांस फराहम करती है। अल एन में वाकई मेन मेड सहूलत मुख्तलिफ किस्म का इलाज पेश करती है जिसमें हेलोथेरेपी सेशन भी शामिल है, जिसके दौरान विजिटर्स नमक से भरी हवा में सांस लेते हैं। दूसरे लोग अपने पांव या पूरे जिस्म को नमक में डुबोते हुए महज आराम करने के लिए गुफा में आते हैं।
पोलैंड के शहर क्राको से दरामद शुदा पत्थर अपने नेगेटिवली चार्ज आयोडाइज नमक पार्टिकल्स और 84 ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स के लिए जाना जाता है। कुछ प्रैक्टिशनर्स का कहना है कि इसके नुमाइश सांस लेने, नींद में बेहतरी, स्किन इन्फेक्शन से लड़ने और तनाव को कम करने की सलाहियत रखती है। और अब बात करते हैं नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से बेदार बनाने की और उन्हें नई राह दिखाने की। इसी सिमत में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पुंछ की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त पंचायत अभियान के तहत कोशिशों को तेज करने के तरबियाती प्रोग्राम का इनकाद किया गया। नौजवान तबका नशे की इस बुराई से दूर रहे, इसी के पेशे नजर इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि वो अपनी तवानाई का इस्तेमाल तामीरी कामों के लिए करें। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पुंछ ने विलेज लेवल कमेटियों और यूथ क्लबों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त पंचायत अभियान के तहत कोशिशों को तेज करने के लिए दो रोजा सलाहियत साजी के तरबियती प्रोग्राम का इनकार किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन एम चौधरी ने श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के न्यू ऑडिटोरियम हॉल में नौजवानों में मंशियात के खतरात के बारे में बेदारी फैलाने के लिए किया। जब इंटरनेशनल सब्सटेंस अब्यूज डिक्लेयर हुआ था तो एक नशा मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया गया था और उस अभियान के तहत हर एक पंचायत में कंट्रोल एक्टिविटीज लॉन्च करने की बात हुई है। तो हमारी जो ये 5 मेंबर कमेटी हैं उनमें से हमने एक एक ट्रेनर चूज करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ट्रेनिंग दी है। यहाँ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और जो इम्पैनल एजेंसीज हैं उनके कुछ ट्रेनर्स आए हुए हैं जो इनसे बात कर रहे हैं। इस कमिटीज में लोकल टीचर्स, लोकल आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इवन पुलिस कॉन्स्टेबल्स, ये सब इन्वॉल्व हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इन टीम्स के जरिए हम नशा मुक्त भारत अभियान में जो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए वो हम कर सकें। ये प्रोग्राम रियासती सतह की कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी और समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट की वजारत के मास्टर ट्रेनर के जरिए चलाया गया। इस मौके पर अपने इफ्तिताही खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने नौजवानों को मंशियात और उसके मुजर असरात से बचने के लिए आगाही फैलाने की अहमियत पर जोर दिया। गौरतलब है कि तरबियती प्रोग्राम का मकसद विलेज लेवल कमेटियों और यूथ क्लबों को जिले में मंशियात से मुतालिक आगाही को फरोग देने और मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी कोशिशों में मुकम्मल तौर पर फंक्शनल बनाना है। हमारे साथ दो तरह की कमेटीज जुड़ी हैं, एक विलेज लेवल कमेटी जिसमें 50 ग्राम पंचायतों में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया गया है जो यहाँ मौजूद है ट्रेनिंग लेने के लिए, और स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी कुछ यूथ क्लब्स या एंटी ड्रग कमेटीज फॉर्म करी गई थी, वहाँ से भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। इस दो दिवसीय ट्रेनिंग से हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सके और सेंसिटाइज कर सके ड्रग्स की प्रॉब्लम को लेके, सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम को लेके, और कैसे ये लोग जो हैं ये मास्टर ट्रेनर्स का रोल निभाएंगे और ये लोग फर्दर फील्ड में जाके एक तरह की चेन फॉर्म करेंगे ताकि हम जो ये प्रॉब्लम है इसे फार फेस्ट एरियाज में कोने कोने तक पहुंचा पाए। इस प्रॉब्लम का सलूशन तरबियती प्रोग्राम मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करेगा, बशमुल मंशियात के मुजर असरात, मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक कानून ढांचा और मंशियात की आगाही को फरोग देने में विलेज लेवल कमेटियों और यूथ क्लबों का किरदार शामिल है। नौजवानों और मुआशरे के दिगर कमजोर तबकों तक पहुंचने के लिए शुरका को मुसावरत की तकनीकों और आउटरीच की हिकमत अमलियों की तरबियत भी दी गई है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक तो विले लेवल कमेटी जो हमने 229 पंचायत में विले लेवल जिसको मोहल्ला कमेटी कहते हैं वो है, और उसके अलावा जो हमारे यूथ क्लब हैं कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल के, वो उनके यूथ क्लब के मेंबर जो हैं बुलाए गए हैं। तो इस टू डे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मकसद है वो इन कमिटीज़ को फंक्शनल बनाना है और इनको नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ही कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो है इनको दी जाएगी ताकि जो हमारा ये अभियान है इसमें हमें और भी जो है कामयाबी मिल सके।
नशे की गिरफ्त में आने की जितनी वजूहात है उससे ज्यादा दूर रहने के तरीके भी मौजूद हैं। जरूरत है तो उसके तई बेदार होने की। इसी के मद्देनजर यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फवक्तन अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को बेदार किया जा रहा है। इसके बेहतर नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। नशे की बुराई के तई बेदारी पैदा होने से बड़ी तादाद में लोग उससे तौबा करने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में उनकी तवानाई को नई समत देने के लिए कई सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। उसी की ये एक कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक श्रीनगर में संगीत नाटक अकादमी और जेकेएएसीएल के जेर एहतमाम तीन रोजा अमृत युवा कलोत्सव का इफ्तिताह किया। मौसीकी, रक्स और ड्रामे का त्योहार हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल की याद में मनाता है और मुल्क भर के नौजवान फनकारों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। श्रावण आत्मशुद्धि और शिव भक्ति का मुतालबा करता है। आइए शिवखोरी रंसू में शिवखोरी श्रावण महोत्सव के दौरान शिव भजनों और शिव पूजा के रूहानी तजुर्बे में डूब जाएं। अनंतनाग पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला अनंतनाग के गरीबों, यतीमों, बेवाओं में 38 व्हीलचेयर और खास तौर पर माजूर अफराद में 30 सिलाई मशीनें तकसीम की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पांचवी बार यात्रा पर पंजाब से आए श्रद्धालु कहते हैं कि यात्रा में कोई मुश्किल नहीं है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, भोले बाबा के दर्शन भी काफी अच्छे से हुए हैं, यात्रा पर आकर मन खुश हो गया है। और अब बात करते हैं गैजेट की। लैपटॉप बनाने वाली कंपनी एसआर की जानिब से एक नया टैबलेट आइकोनिया टैब M10 बाजार में पेश किया गया। इसमें 10.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। ये टैब एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसकी और भी खूबियां हैं। इसकी और खास खूबियों पर डालते हैं एक नजर। लैपटॉप बनाने वाली कंपनी एसर की जानिब से एक टैबलेट को बाजार में पेश किया गया है, जिसका नाम आइकोनिया टैब M10 रखा गया है, जो काफी किफायती भी है। इसमें 10.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 1920x1200 पिक्सल का रेजोल्यूशन के साथ साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये टैब एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। कंपनी की जानिब से इस टैब में मीडियाटेक का कॉम्पेनियो 500 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें इसे 4GB रैम और 64GB स्टोरेज की सुविधा दी गई है। SD कार्ड की मदद से इसकी स्टोरेज को आसानी के साथ बढ़ाया भी जा सकता है। इस टैब में 6000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये टैब उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है जो इस बजट में टैबलेट खरीदना चाहते हैं। आखिर में बात करते हैं सेब की। काबिले गौर है कि सेब की बागवानी को यूनियन टेरिटरी में बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। ये फार्म पर मबनी मेहनतकश लेकिन तिजारती और इक्तेसादी सरगर्मियों में से एक है। बागवानों को सेब की उम्दा पैदावार के साथ साथ उम्दा मुनाफा भी हो सके, इसके लिए बारामुल्ला जिले में वाके हाई स्कूल के तालिबे इल्मों ने कम लागत वाला एप्पल ग्रेडर बनाया है। इस एप्पल ग्रेडर के मार्केट में आने के बाद से सेब के काश्तकारों को काफी फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए डालते हैं इसी पर एक नजर। कश्मीर के अहम फलों में से एक है सेब। ऐसे में सेबों की बागबानी से बागबान को फायदा हो, इसके लिए बारामूला जिले के क्रेरी HSS में हाई स्कूल के तलबा ने आसानी और समाजी असर के हैरतअंगेज मुजाहिरे में इनकलाबी एप्पल ग्रेडर बनाया है। इस सस्ती और पोर्टेबल डिवाइस से एप्पल की ग्रेडिंग के तरीके कार में इनकलाब आने की उम्मीद है, जो आसपास के करीबी काश्तकारों को बाख्तियार बनाएगा और उनके सामान की मुनासिब कीमतों की जमानत देगा। हमारे पास गवर्नमेंट ने अटल टिंकरिंग लैब दी हुई है, जो जिसकी बिना पे हमारे बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट जो अभी तक हमारे लैब की है वो है एप्पल ग्रेडर, जो बच्चों ने बनाया है। एप्पल ग्रेडर जो है ये बेसिकली, क्योंकि स्कूल की लोकेशन ऐसी है, इट्स अ रूरल एरिया, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो बागात के साथ मुंसलिक हैं, तो
बच्चे जो है जिन्होंने इस प्रोडक्ट पे काम किया है वो एक्चुअली खुद से किसान के घरों से हैं, तो उनने देखा कि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको किसानों को उसके इवज जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। सो देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसा क्या है कि हम वहाँ पर मात खा जाते हैं। सेब ग्रेडिंग के महंगे और मुश्किल अमल की वजह से मकामी काश्तकारों को तवील अरसे से कॉम्पिटेटिव नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शाकिर अहमद, अदनान मुश्ताक और फुरकान रशीद एक रोशन तिकली ने इस मुश्किल की निशानदेही की और हायर सेकेंडरी स्कूल केरी बारामूला के जावेद अहमद और पाई जैम फाउंडेशन के सुरेंद्र बंसोड़े की मदद से एक क्रिएटिव सॉल्यूशन खोजने के लिए निकल पड़े, जिसका नतीजा एप्पल ग्रेडर है, एक पोर्टेबल डिवाइस जो मुअस्सर तरीके से सेब को साफ और ग्रेडिंग देता है, जिससे काश्तकारों को अपनी फसल का खुद जायजा लेने और मार्किंग करने के लिए एक इंतहाई जरूरी टूल फराहम करना है। एक तो है वॉशिंग, पहले ये वॉश करता है, देन फिर ये ड्राई करता है, वॉश होके फिर एप्पल्स ड्राई हो जाते हैं, देन फिर वाइपिंग हो जाती है। वाइपिंग में क्या होता है कि एप्पल्स की जो शाइन है वो बढ़ जाती है, और देन फिर ग्रेडिंग होती है अकॉर्डिंग टू कलर एंड साइज। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कलर होती है, रेड एप्पल्स जो होते हैं वो एक साइड से जाते हैं और जो ग्रीन एप्पल्स होते हैं वो एक साइड से जाते हैं। देन फिर आगे उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू साइज, लाइक अगर कोई बड़ा एप्पल होगा वो ऊपर की पेटी में जाएगा और जो छोटा वाला एप्पल होगा वो नीचे की पेटी में जाएगा, देन फिर यहाँ पे होती है ग्रेडिंग। हम पहले एप्पल्स वॉशिंग सेक्शन में डालते हैं जहाँ पर पेस्टिसाइड रिमूवल लिक्विड होगा जो कि बैक्टीरियाज को रिमूव करेगा एप्पल्स पे, और उसके बाद हम इसको राउट करते हैं थ्रू कन्वेयर बेल्ट टू द अनदर सेक्शन विच इज ड्रायर सेक्शन। यहाँ पर हम एप्पल्स को ड्राई करते हैं आफ्टर वॉशिंग, फिर उसके बाद वाइपिंग करते हैं। सो यहाँ पर हमारा मेन सेक्शन जो है ग्रेडिंग सेक्शन। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू ग्रेड कलर ग्रेड करते हैं और अकॉर्डिंग टू साइज। यहाँ पर हम कलर सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको कलर ग्रेडिंग करते हैं। जो चीज एप्पल ग्रेडर को अलग करती है वो है तलबा की जानिब से मुतालिका डिजाइन सोच का इस्तेमाल और पाई जैम फाउंडेशन और एटीएल लैब के जरिए फराहम करदा वसाइल। आखिरकार तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बारामूला खित्ते के गवर्नमेंट स्कूल की तीन टीमों ने मुल्क भर से 100 टॉप दाखिलों में जगह बनाई। तलबा और उनके असातिज़ा जावेद अहमद ने पाई जैम फाउंडेशन के साथ मिलकर एप्पल ग्रेडर के डिजाइन और प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए काफी मेहनत की। आप सबों को पता है कि शाकिर, अदनान और फरकान ने एप्पल ग्रेडिंग मशीन बनाई है और इनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और इन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया है। इनको बहुत सारे लोग मतलब हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हमारी भी हो रही है, इवन कि हम भी फ्यूचर में कुछ ना कुछ करेंगे। इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मतलब असर पड़ रहा है हमारे पे भी, और इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेब की बागबानी को यूनियन टेरिटरी में बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। ये फार्म पर मबनी मेहनतकश लेकिन तिजारती और इक्तसादी सरगर्मियों में से एक है। बागबानी से मुतालिक मुख्तलिफ पैदावार में ये सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला फल है, और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इसकी बागबानी को मजीद फरोग दिया जाता है। इसमें मौजूद रोजगार के वसी इम्कानात को तलाशा जा रहा है और ये नौजवानों को बड़ी तादाद में अपनी जानिब राग़िब भी कर रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।